नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी सक्सेना। एचपी न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। एचपी न्यूज लाता है आप सभी के लिए हर छोटी से बड़ी खबरें। तमाम खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप सभी को हर खबर की अपडेट आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबर। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक में कमिश्नर का दौरा, ग्राम माना और कोठरी कला में संचालित ग्राम आरोग्य उप स्वास्थ्य केंद्रों का किया निरीक्षण। टीम में भोपाल संभाग कमिश्नर कविंद्र किर्यवत, राजगढ़ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर कमल नागर, नरसिंहगढ़ एसडीएम अमन वैष्णव, बीएम और डॉक्टर गौरव त्रिपाठी सहित प्रशासनिक टीम मौजूद थी। आपको बता दें कि सुबह से कमिश्नर महोदय ने ग्राम माना के शासकीय उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उसके बाद ग्राम कोठरी कला पहुंचे, जहां संचालित शासकीय उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोठरी कला के अस्पताल की काफी दिनों से शिकायतें थी और उनके निराकरण के लिए कमिश्नर महोदय कोठरी कला पहुंचे थे। इस दौरान मौजूद ग्रामीण लोगों को कमिश्नर महोदय द्वारा उन्नत व जैविक खेती करने और खेती को लाभ का धंधा बनाने हेतु विस्तृत से जानकारी दी। मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। क्विंटल एक हेक्टर के अंदर, एक हेक्टर में कितना? 88 क्विंटल। परवलिया सड़क पर पाटीदार है मुरली, उनके खेत मनोहर पाटीदार, उनके खेत में 88 क्विंटल एक हेक्टर के अंदर उत्पादन हुआ। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, गिरधर गुप्ता गांव, गिरधारी लाल गुप्ता, सर्वर ग्राम भोपाल का, उसमें एक हेक्टर के अंदर 78 क्विंटल। अब आप सोचिए, आप 50 क्विंटल की बात कर रहे हो, दूसरा 78 की बात कर रहा है, एक 88 की बात कर रहा है। सब देते हो, सामग्री तो उतनी डालते हैं, खाद भी उन्होंने उतना ही उपयोग किया होगा। सही समय पर जो चीज दी उसकी कीमत कुछ अलग होती है, सही मात्रा में दी जाए उसकी उपयोग कीमत अलग होती है। जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, वो जगह जगह उन्होंने जो कुछ देखा है, पढ़ा है, सुना है, सीखा है, वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। दूसरी तरफ कृषि आय में एक योगदान और दूसरी चीज का सहायक गतिविधि है पशुपालन क्षेत्र में। स्वास्थ्य सेवाएं और जो बुनियादी सेवाएं विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही है, स्थिति का आकलन करने के लिए आज काम का भ्रमण किया और लोगों ने इस प्रकार बताया कि अमूमन वो लोग संतुष्ट हैं सेवाओं से, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ विशेष प्रयास करने की जरूरत थी, जिसके बारे में हमने ग्राम में लोगों को स्वास्थ्य हमले को बताया और यहाँ पर बेहतर सुविधा है। सर अभी और कहाँ काम एक समस्या है, बस हमारे सारे गाँव वासियों की एक समस्या है। तो ठीक है, 17-18 महीना होगा ये सर, तनखा नहीं आ रहा है हमारे जिले की थोड़ी की, और आगे पीछे कर रहा कैसे क्या हुआ उनसे सिपर सिपर में सफाई कर रहा है, पंचायत नहीं हो गया जो कि पुलिस चौकी पे भी है, लेकिन सब इस पे भी लेके कौन आ रहा है ये सही साहब जरा जो अरे रोको पहले दूर हो जाए। जी जी, दूर दूर हो जाओ सब, जिसकी समस्या वही ना हो यहाँ पे। एक आदमी चलो सब हट जाओ, रास्ते लड़ जाओ। सुनिए, दूरी बनाए रखें आप, ये पानी की टंकी जो आ रही है, पानी आ रहा है इसका, बिजली लगती है ना इसमें? लगती है, लगती है। बिना बिजली के पानी आ सकता है? नहीं आएगा। अब उसका शुल्क किसको देना है? हमें देना है। देते हैं क्या? देते हैं। पंचायत सचिव बोला नहीं देते? नहीं नहीं देते, बहुत कम सर, न्यूनतम न्यूनतम। अरे आप देते हैं, आप एक काम करिए, 100% ग्रामवासी जिनको भी बिल आप दे रहे हैं, सब अपने अपने हिस्से का भुगतान करेंगे। 100 में से 20% आदमी देता होगा, बस 20 भी नहीं, सब देंगे। हाँ देना चाहिए, सब देंगे, क्योंकि शुल्क सुविधा किसको मिल रही है? हमें जनता। यदि वो बंद हो जाएगी सुविधा तो सब परेशान होंगे।